उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने आज हटा दिया है। तो अब जो है नई शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर जल्द आएगी। तो आज हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2019 में जो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई थी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, तो इस पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने ये रिट जारी की थी, जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में काफ़ी लंबे समय से लंबित थी। हालांकि इसमें लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे में आज हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और एक अहम फैसला यहां पर लिया है। इसमें जो है हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर, तो ये डेट अगर आप देखें तो ये 8 तारीख यानी आज की डेट पड़ी हुई है। तो इसमें ये बताया गया कि जो लंबित जो भर्ती थी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, यानी जो 2019 में वैकेंसी निकली हुई थी उस पर कोई भी फैसला नहीं आया है कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी या फिर उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो उस पर कोई भी फैसला नहीं आया, लेकिन इस वजह से जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, यानी जो 2000 पदों पर जो भर्ती निकलने वाली थी, उसका रास्ता अब साफ हो गया। हाईकोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है कि जो नई भर्ती है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो ये भर्ती प्रक्रिया है जो 2019 में वैकेंसी निकली हुई थी, ये हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो हाईकोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, या फिर अगर ये भर्ती कैंसिल होती है तो ये हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। हालांकि इसमें पूरे के चांस बन रहे हैं कि इसका फैसला भी जल्दी आएगा। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अब जो है हाईकोर्ट ने यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया है। तो आपको बता दें कि अब जो उत्तराखंड में जो नई भर्ती होगी प्राथमिक शिक्षक के 2000 पदों पर, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। जिन्होंने भी यहाँ पर डीएलएड का कोर्स किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, अब उनका यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता क्लियर हो गया है, उनका सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ जो अब जो नए जो इनके अलावा जो पोस्ट यहाँ पर बसती हैं, तो उनमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको किस आधार पर मौका दिया जाएगा, तो इसमें आपको बता दें इसमें साफ पहले ही कह दिया गया था कि अब जो बीएड अभ्यर्थियों को जो मौका दिया जाएगा वो ज्येष्ठता के आधार पर दिया जाएगा, यानी ज्येष्ठता यानी जिसकी एज ज्यादा है, जिन्होंने बीएड जिस वर्ष पहले किया है, तो उसके आधार पर यहां पर दिया जाएगा। उनके मेरिट की टेट के मेरिट बनेगी और साथ ही उनका जिन्होंने सबसे पहले यानी बीएड कंप्लीट किया है उसके आधार पर यह नियुक्ति होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर यह भी पूछ रहे थे कमेंट करके कि जो बीएड के जो नए मामले हैं यानी जो नई भर्ती आएगी उस पर किस आधार पर सिलेक्शन होगा, तो उसमें आपको बता दें कि मेरिट के आधार पर, और यानी जिसके अगर 2000 किसी ने अगर 2001 में बीएड किया है और उसके नंबर अगर 101 है, वहीं 2001 में कोई दूसरा कैंडिडेट है अगर उसके 102 नंबर हैं, तो पहले उसका सिलेक्शन होगा फिर 101 वाले का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरिट भी बनेगी और साथ में उनका जो है ज्येष्ठता के आधार पर ये सिलेक्शन होगा। तो ये इस प्रकार से अब जो नई भर्ती 2000 पदों पर जो भर्ती होने जा रही है वो इस प्रकार से होगी। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे फैसला दे दिया, आप देख सकते हैं इसकी जो सुनवाई हुई थी, एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये लास्ट जो सुनवाई हुई है वो 7/10/2020 को हुई है और इसके बाद अब जो है इसकी कोई भी सुनवाई आगे नहीं होगी, क्योंकि कोई भी डेट अब नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है वो कोई कुछ भी नहीं पड़ी है, और आप यहाँ पे कोर्ट केस नंबर भी देख सकते हैं 4319। तो ये जो कोर्ट केस लगाया था ये आपको पता होना चाहिए किसने लगाया था, तो ये उधम सिंह नगर के एक यहाँ पे कैंडिडेट थे जिनका नाम हम आपको बताते हैं। तो उधम सिंह नगर के रहने वाले राजीव राणा समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में इसकी चुनौती दी थी, जिसका यहाँ पर अभी तक तो कोई फैसला नहीं आ पाया था। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछेंगे कि क्या जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो पुरानी भर्ती थी क्या उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या नियुक्ति नहीं होगी। तो आपको बता दें कि उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आएगा, लेकिन अब जो है इसका मामला और भी ज़्यादा लंबित हो जाएगा, क्योंकि अब जो है डीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, सीटें फुल कर दी जाएंगी, तो ऐसे में जो ये सुनवाई है वो और भी ज़्यादा पीछे जाने वाली है। अब देखना होगा यहाँ पे आगे क्या निर्णय लेता है कोर्ट, लेकिन आपको बता दें कि अब 2000 पदों पर जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे उनको भी मौका मिलेगा, साथ ही बीएड के उन अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है जिनकी अब एज निकल रही थी या फिर जिन्होंने बीएड बहुत पहले किया था, तो उनको ज्येष्ठता के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा।